हम आएंगे इस चीज पे, अभी भी दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि व्हाट इज पावर ऑफ अ पॉइंट, हम आएंगे इस चीज में। अब देखो इसको मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, तो देखो सम ऑफ द रूट्स में यहाँ पर थीटा इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि अगर इस मैंने लाइन को चेंज किया, मतलब अगर मैंने इस लाइन को समझो यहाँ से लेके यहाँ बना दिया, देखो इधर देखो डायग्राम में, यहाँ से लेके मैंने यहाँ बना दिया तो एंगल चेंज हो जाएगा। अगर एंगल यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स चेंज होगा। मतलब सम ऑफ द रूट्स का चेंज होने का मतलब बेसिकली ये लिखा क्या है, ये लिखा है ना पी ए प्लस पी बी, यही तो लिखा है यहाँ पर। तो पी ए प्लस पी बी क्या होगा, चेंज होगा अगर मैं यहाँ पर इंक्लिनेशन चेंज करूंगा लाइन की। पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ तो कहीं थीटा इन्वॉल्व भी नहीं हो, तुम देख सकते हो अगर यहाँ पर कोई थीटा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पॉइंट पी से, ठीक है पॉइंट पी से अगर मैंने यहाँ से ये ऊपर वाला ही बना दो, चलो इधर फिर से बना दिया, पॉइंट पी से अगर समझो मैंने ऐसे ही बना दिया, इसको मैंने बोल दिया ए पे कट रहा है, इसको मैंने क्या बोल दिया बी पे कट रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अगर मुझे ये निकालना है क्या निकालना है, पी ए इंटू पी बी दैट इज नथिंग बट आर वन इंटू आर टू। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ फॉर्मूला तो है ही ऊपर, कौन सा वाला फॉर्मूला, यहाँ पर ऊपर है, ठीक है अगर P वाला पॉइंट इधर है, समझ में आता है तुम्हें क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर समझो मैंने यहाँ से ड्रॉप किया तो मैंने बोल दिया ये C है और यहाँ पर ये क्या बोल दिया D है, तो तुम क्या करोगे पी सी इंटू पी डी, ये भी कितना हो जाएगा R1 और R2 हो जाएगा, तो इसमें भी तुम क्या करोगे ये वाला पॉइंट तो सब्स्टिट्यूट करोगे। अच्छा एच कॉमा के क्या है, पी का पॉइंट है। तो यहाँ से मुझे ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल कॉर्ड्स बनाते जाऊंगा तो उनका जो प्रोडक्ट होगा किसका, डिस्टेंस का, दैट इज पी ए इंटू पी बी, वो तो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट ही होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर थीटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, थीटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा इसका मतलब मैं लाइन का इंक्लिनेशन चेंज करूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ अगर तुमने पॉइंट चेंज कर दिया तब तो बात ही खत्म हो गई, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एक ही पॉइंट से अगर मैं निकाल रहा हूँ, अगर पी से ही निकाल रहा हूँ तो ये यहाँ पर क्या मुझे मिलेगा, हमेशा यही मिल जाएगा। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बना दिया, देखो अगर मैंने इसको यहाँ से ऐसे बना दिया तो मैंने इसको क्या बोल दिया, टी बोल दिया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, पी टी इंटू अगेन पी टी, ये चीज़ समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमने कैसे लिया था, ऐसे लिया था ना आर वन इंटू ये क्या किया था यहाँ पर आर टू, वही चीज कर रहे हैं पी टी इंटू पी टी अगेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है यहाँ से कि यहाँ से मुझे ये मिल गया, दैट इज पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। और मुझे बताओ क्या ये हमने पढ़ रखा है पहले, हाँ बिल्कुल हमने ये पहले पढ़ रखा है, इनफैक्ट मैंने जब स्टार्ट किया था सर्कल तो हमने ये प्रॉपर्टी लिखी भी थी और मैंने तुमको बोला भी था कि इसका मैं तुम्हें प्रूफ कराऊंगा। तो मतलब ये क्या है, दिस इज अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके तो मैं ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर ये हमेशा क्यों बराबर आ रहा है और ये यहाँ पर कितना आ रहा है, कांस्टेंट क्यों आ रहा है। और एक चीज तो हमें ये भी पता चल गई कि अब ये किसके बराबर होने वाला है, ये वाली क्वांटिटी के बराबर है, कौन सी वाली क्वांटिटी के बराबर है, इस क्वांटिटी के बराबर है। अच्छा ये वाली क्वांटिटी जो लिखी है उसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि सर्कल में मैंने एच कॉमा के डाल दिया, मतलब सर्कल में मैंने क्या डाल दिया, एच कॉमा के डाल दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सर्कल पे एच कॉमा के हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड करते हैं, मुझे यहाँ पर क्या मिला, मुझे यहाँ पर मिला इसको चलो बना दिया फिर से ऐसे, ठीक है ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था और इस तरह से बनाया था, ये T है, ये P है, ये A है, ये B है, जस्ट बियर विथ मी, ये C है, ये D है। तो यहाँ से मुझे क्या आया था, पी ए इंटू पी बी, ठीक है इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या था S1 आया था, ये S1 लिख सकता हूँ मैं, S H कॉमा K को मैं S1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब कोई भी पॉइंट डाल दो, S1 का मतलब है कि मैंने सर्कल पे कोई भी पॉइंट डाल दिया इधर, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पर किसके बराबर होगा, S1 के बराबर होगा, पहले तो हमें बस इतना पता था कि ये बराबर होता है, अब तो हमें ये भी पता चल गया कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। अच्छा यहाँ से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी निकाल सकता हूँ। कैसे लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाला, इसको तुम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एस वन लिखा है और पी टी कितना हो जाएगा, रूट एस वन हो जाएगा। ये तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, मतलब इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से भी मैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल सकता था। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर ये पॉइंट पी बाहर है तभी तो टेंजेंट बन रहा है, अगर पॉइंट पी अंदर होता तब तो नहीं बनता। ओके तो देखो इसको मैंने कैसे लिख दिया, ये जो लिखा है यहाँ पर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, क्या बोला था, ये यहाँ पर ये आर वन है और ये यहाँ पर पूरा कितना है, दिस इज आर टू, कौन सा, ये राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, मॉड में लिख दिया आर वन इंटू आर टू। ओके मॉड में क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस लिख रहे हैं। अच्छा तो अगर मॉड में यहाँ पर लिख दिया तो एस वन में क्या होगा, एस वन में भी मॉड लगा दूंगा, समझ में आ रहा है। पर एस वन में मुझे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मैं एस वन में मॉड लगाता हूँ, और पहली बात तुम ये देखो ये जो पॉइंट यहाँ पर है ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो इसके लिए तो एस वन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर यहाँ पर एस वन हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका मतलब एस वन पर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं, तो इसका यहाँ पर क्या लिख लिया, सिंपल एस वन लिख दिया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं ये चीज, ठीक है। ओके ठीक है, पी बाहर है इसलिए ऐसा हो गया, यहाँ पर क्या था एस वन पॉजिटिव है इसलिए ऐसे कर दिया, आई गेस ये तुम्हें समझ में आ रहा है। ओके इसको चलो मैंने क्या बोल दिया, फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, चलो मैंने क्या किया, सर्कल को अब इसके अंदर ले लिया मैंने, पी वाले पॉइंट को मतलब क्या किया, इसको अंदर ले लिया इस तरह से। यहाँ पर अगर मैंने पी पॉइंट ले लिया इधर तो कैसे बना दूंगा, यहाँ से ऐसे बना दिया, यहाँ से इसको ऐसे बना दिया, ये भी हमने पढ़ा था, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मॉड यूज किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर वन इंटू आर टू हो जाएगा। आर वन मैं किसको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ आर वन, ठीक है, ये वाले को मैं बोल रहा हूँ आर वन और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ आर टू, ठीक है। और अगर मुझे इसको यहाँ पर S1 में लिखना है तो अब मैं यहाँ पर सिंपली इसको S1 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कि अब ये वाला जो पॉइंट P है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, अगर यहाँ पर सर्कल के अंदर लाई करेगा तो इसके लिए तो यहाँ पर S1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ पर S1 नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और अगर नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है डिस्टेंस का, तो मैंने क्या किया इसमें एक माइनस साइन यहाँ पर लिख लिया। आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्या किया, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पर पॉइंट P अंदर है तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, इनका प्रोडक्ट दैट इज पी ए इंटू पी बी कितना होगा, माइनस एस वन। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया सेकंड, थर्ड हमने क्या लिया, मैंने अभी भी क्या रखा है, पॉइंट P को अंदर ही रखा है, ओके। और मैंने बोल दिया कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पर मैंने एम वन ले लिया, यहाँ पर मैंने एम टू ले लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि ये इसको यहाँ पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, पर फॉर्मूला तो मैं वही लगाऊंगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको बाइसेक भी कर रहा है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, पी एम वन, पहली बात तो पी एम टू के बराबर है, ठीक है, तो हमने बना दिया डायग्राम में। फिर इस फॉर्मूला से मैं कैसे लिखूंगा, पी एम वन इंटू पी एम टू इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट अंदर है, क्या बताया मैंने तुमको कि अगर ये अंदर है तो तुम क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, माइनस एस वन लिखोगे, क्यों, क्योंकि एस वन खुद नेगेटिव आएगा। अच्छा तो यहाँ से मैंने क्या किया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पी एम वन, तो ये भी क्या हो जाएगा, पी एम वन लिख सकता हूँ उसको, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एस वन हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर ले लिया, तो ये हो जाएगा पी एम वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जाएगा माइनस एस वन, तो यहाँ से मुझे पी एम वन कितना मिल गया, रूट माइनस एस वन। इसको देख के थोड़ा वो मत करो कि रूट के अंदर नेगेटिव कैसे लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो पॉइंट पी यहाँ पर अंदर लाई करेगा, एस वन खुद नेगेटिव है तो माइनस माइनस पॉजिटिव बनेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा। ओके इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर समझो मुझे लेंथ ऑफ अ कॉर्ड निकालना है, ठीक है, अगर समझो मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी, तब तो इसका यह फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल दिया मैंने, इसको फिर से लिखते हैं, मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं इसको, तुम इसके यहाँ लिखना है, इसको क्या लिखना है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पी बोल दिया, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पी, तो इसको क्या हो जाएगा, एम वन एम टू हो जाएगा ये, तो ये एम वन एम टू तो क्या होगा, बेसिकली टू टाइम्स पी एम वन होगा, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टू टाइम्स रूट माइनस एस वन, तो इसको भी तुमने क्या किया, याद कर लिया। ओके मैं अगर पूछ रहा हूँ कभी फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट पी फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल, तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है, फेयरली इजी, कुछ है ही नहीं इसमें। ओके अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं,
इन सबको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, इन सबको अच्छे से याद कर लो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आगे चलने से पहले क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने कर लिया यहाँ पर, ठीक है, जल्दी जल्दी जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस मैंने बोल दिया, एक सर्कल ले लिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0, ये ले लिया, और फिर मैंने बोल दिया यहाँ पर पॉइंट एक ले लिया मैंने 4,1, ठीक है। तो यहाँ से तो कैसे तुम फाइंड करोगे, मुझे ये फाइंड करना है यहाँ पर, इस तरह से इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, p ये a हो गया, ये क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है, तो मतलब बेसिकली मुझे ये चाहिए, ठीक है। हम बस ऐसे ही लिख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं इस तरह से। तो ये तो कितना होता है, S1 होता है, पर उससे पहले तो तुम क्या करोगे, डिसाइड कर देखोगे कि यहाँ पर P वाला पॉइंट कहाँ कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है या अंदर लाई कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी लाई करे चाहे अंदर लाई करे, अगर नेगेटिव आता है तो तुम तो क्या करो, उसको पॉजिटिव बनाए दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो डायरेक्ट डाल के देख लिया, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 16 प्लस 16 32 माइनस ये 27, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, अगर 27 आ रहा है इसका मतलब ये चीज पक्का हो गई कि यहाँ पर ये पी किधर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, आई गेस दिस इज फाइन, ओके। वैसे ही अगर समझो मैंने ऐसे ले लिया, एक और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ले लिया, मैंने बोल दिया लेट पी बी 1,1, सर्कल यहाँ पर ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर मैं वही चीज बोल रहा हूँ, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पी, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पी। तो तुम क्या किया करो, मुझे पता तो है कि करना क्या आ गया, फिर भी क्या किया हमें करो, हमेशा एक डायग्राम बना लिया करो, ऐसे कोई कॉर्ड हो रहा होगा, ये पी पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ निकालना है, ठीक है। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 times √-S1, कर चुके हैं हम लोग ये चीज, तब तुम क्या करो, उसको सेटिस्फाई करा दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, एस वन का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ पर तुम सर्कल में डाल दोगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 10, ठीक है। तुम देख सकते हो यहाँ पर अंदर अपने आप यहाँ पर क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, ये कितना है 2 है, ठीक है, और ये कितना है माइनस 14 है, तो ये कितना बन रहा है माइनस 12 बन गया, और माइनस माइनस उसको क्या बना देगा पॉजिटिव, तो यहाँ से ये आंसर आ गया ए बी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा, तुम चाहो तो यहाँ से क्या करो 4 निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4√3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लेंथ आ गया, तुम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं। अच्छा अगर तुमको ये समझो याद नहीं आया, ठीक है, अगर याद नहीं आया तो तुम क्या करोगे, ये मेरे पास वो वाला फॉर्मूला तो था ही, कौन सा वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला 2√R²-P, ये भी तो था R²-P², इसको भी ऐसे भी तो निकाला जा सकता है। R क्या हो जाएगा, वही चीज सेम, यहाँ रेडियस हो गया, P क्या हो गया, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू दिस लाइन। अब देखो यहाँ पर लाइन तो दे नहीं रखी, तो क्या हुआ, लाइन नहीं दे रखी, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो ना, ये वाला तुम्हें सेंटर निकाल सकते हो, सेंटर यहाँ पर कितना दिख रहा है 2,5, देख लिया जल्दी से, और यहाँ पर P वाला पॉइंट भी दे रखा है 1,1, तो ये जो P है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आ जाएगा, ठीक है। और R हम तो निकाल सकते हैं यहाँ पर, किससे, सर्कल से निकाल सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पर पॉइंट P की जगह लाइन दिया होता तब तो ये वाला मेथड सबसे बेस्ट होता, कौन सा, ये वाला मेथड, अगर लाइन दिया होता तो ये वाला मेथड बेस्ट होता, और अगर पॉइंट दे रखा है फिर तो कौन सा, ये वाला मेथड बेस्ट हो गया। मेथड तो तुम कोई भी लगा दो, आंसर आना चाहिए, उससे हमें मतलब होता है, ठीक है। अब हम लोग उस पर आते हैं कि हमने क्या बोला था इसको, जब इसका हेडिंग चालू किया था तो हमने बोला था पावर ऑफ अ पॉइंट। तो पावर ऑफ अ पॉइंट बेसिकली हम किसको बोलते हैं, S1 को, इस S1 को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। मतलब इसको मैंने चलो लिख दिया, इसको S1 इज कॉल्ड पावर ऑफ अ पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट की पावर, ठीक है, पावर ऑफ अ पॉइंट, थोड़ा सुनने में अजीब है पर ठीक है, याद कर लिया, पावर ऑफ अ पॉइंट इज S1, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द पावर ऑफ अ पॉइंट, तो कुछ नहीं, सर्कल में उस पॉइंट को रखा, बता दिया कि हाँ इतनी वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका पावर ऑफ अ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इट्स कॉल्ड पावर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल, ठीक है। और लिख लेते थोड़ा, इफ पॉइंट पी लाइज
outside, inside or on the circle, लिख तो जाओ मेरे साथ, on the circle, then power of a point will be, क्या हो जाएगा, अगर बाहर है तब तो क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, ठीक है, अगर अंदर है तब तो क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, और अगर उसके ऊपर rely करता है तो ये कितना हो जाएगा, zero हो जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट। तो अगर कोई पूछ रहा है व्हाट इज पावर ऑफ अ पॉइंट, तो निकाल के बता दो, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं।